हेलो दोस्तों, तो बेसिकली अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ डेवलपमेंट के अंदर, जिसका नाम है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर इट मींस हेरिडिटी, नर्चर मींस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बीच में मतभेद था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। किसी भी डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर नर्चर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिबेटेबल बहुत ही ओल्ड इशू है जो अभी तक भी रिजोल्व नहीं हो पाया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि हेरिडिटी का रोल बहुत ही बड़ा है किसी भी डेवलपमेंट के अंदर, या फिर एनवायरनमेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बच्चा है या फिर कोई पर्सन है जो एजुकेटेड है और वो एजुकेशन में काफ़ी सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में भी काफ़ी सक्सेसफुल है, तो हम ये मान सकते हैं कि एनवायरनमेंट का रोल वहाँ पे सबसे बड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एजुकेशन में काफ़ी अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे हेरिडिटी के कि इंटेलेक्चुअल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो क्रिएटिव था, वो अच्छा पेंटर बन गया, तो बेसिकली यहाँ पे हम हेरिडिटी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे इस चीज़ का। तो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेरिडिटी है या फिर एनवायरनमेंट है, ये हम इसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। कोई रेशियो हमारे पास है ही नहीं, कोई डिवाइस हमारे पास है नहीं जो कि इस चीज़ को मेज़र कर पाए कि हेरिडिटी या फिर एनवायरनमेंट, इन दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली एक डिबेटेबल इशू है और अभी तक भी हम इस इशू को रिजोल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इशू है आपका अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। और अर्ली एक्सपीरियंसेस में जो फ्रॉयड, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने साइको एनालिसिस के नाम से एक फील्ड भी बनाई हुई है, उनका कहना ये था कि स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी लाइफ का जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और वहीं दूसरी तरफ एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन, उन्होंने ये कहा है कि स्टार्टिंग का नहीं, लास्ट का जो 5 साल है, यानी कि जब आपकी एज अगर 25 साल है तो लास्ट के जो 5 ईयर्स हैं 20 से 25, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉयड कहते हैं नहीं, बर्थ से लेके जो 5 साल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एरिक्सन कहते हैं कि लास्ट के जो 5 साल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये भी एक डिबेट है और इसको भी अभी तक हम रिजोल्व नहीं कर पाए। तो बेसिकली कुछ इश्यूज़ आज मैंने आपको पढ़ाए, बेसिकली नेचर वर्सेस नर्चर और अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, ये दो इशू आज हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। इससे पहले एक Part-1 वीडियो मैंने बनाया था, वो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसमें मैंने एक इशू पढ़ाया था कॉन्टीन्यूटी वर्सेज डिसकॉन्टीन्यूटी का, ठीक है। तो बेसिकली ये Part-2 है, Part-1 आपका लास्ट वीडियो रहेगा। तो टोटल जो इशू हैं वो 3 इशूज आज हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी और नेचर वर्सेस नर्चर और अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 इशूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।